भ्रष्टाचार दूर करो, भ्रष्टाचार दूर करो, भ्रष्टाचार दूर करो। अच्छा एक बताइए, काहे के लिए भ्रष्टाचार, क्या चीज क्या दूर भगा रहे हैं आप बताइए। भैया देखिए, हम सरनाहा ग्राम में है, यहाँ पे मेरा घर पड़ता है बिलासपुर। मेरा यहाँ ये जो है दुकान है सरनाहा बाजार पे, मेरा होटल है, मेरा नाम राजू कुमार हुआ। अच्छा, क्या हुआ? धरना प्रदर्शन करना भैया। यहाँ पे मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर इधर दक्षिण साइड में पड़ता है। ये जो किचन देख रहे हैं, ये किचन देख रहे हैं, हम लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ है। ये देखिए इनाला, इनाला देखिए, ये कौन सा नाला है भैया, आप बताइए, आप बताइए। एक ये नाला है, यही नाला है, गांव समाज का नाला यही है। काहे के लिए है, इसका सफाई होना चाहिए। बिल्कुल एकदम बिल्कुल सफाई होना चाहिए। काफी गुस्सा में है भाई। हां काहे नहीं गुस्सा में है, गुस्सा नहीं हो गए। कब सफाई नहीं हुआ इसका? कुछ भी नहीं हुआ है, बस नाला खोल दिया गया है, बस हो गया। तो कितना रुपया लेके वोट देते हैं आप लोग? हां रुपया लेके भी वोट देते हैं? रुपया नहीं लेते हैं किसी से, रुपया नहीं लेते तो काम काहे नहीं होता है? हां काम कहीं नहीं होता है। देखिए भैया, अब हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, हम अपने काम में फंस जाते हैं, बस मतदान करना है, दे देते हैं, मतदान कर देते हैं, बाद कोई लेना देना नहीं। तो क्या करेंगे हम, लड़ेंगे तो उनसे जीत पाएंगे, उनके पास सत्ता है, उनके पास सत्ता है, मुद्दा ना है, कोई भी आदमी जीतता है। क्या बोल रहे हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे गांव का नाला 3 नंबर वार्ड का बिल्कुल रोड नाला बिल्कुल जाम हो गया है, कोई आदमी पूछने वाला ना है। मुखिया और वार्ड कोई सुनना जी, आपके घर के सामने हमारा आप चुप है, आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहने का चाहते हैं, नाला जाम है और पानी लग रहा है, सारा लोग भी रहा है, कैसा? इसीलिए मुखिया ना का ना निगरानी है, ना वार्ड का निगरानी है, ना कोई जानता है, स्लिप जाता है या इसे गिर जाता है। तो आप लोग रोड पर क्या करिएगा, नाद कास के डाल दीजिएगा घर से, पानी भी नहीं। हम लोग नहीं इनकाचते हैं, इंक्वायरी के लिए इसको मुखिया जी से आप बात कीजिए। गांव शहर का मुखिया जी को नादी काच के भर देता है, तो मुखिया जी इसको काम करे, मुखिया जी इसको काम करेंगे, शोर से करेंगे, तारीख करा रहे मुखिया जी। किसका भैंस खड़ा है, किसका नाला पर नाद है? हम लोग वोट दे करके, सुनिए, हम लोग वोट दे करके मुखिया जी को अपना प्रधानमंत्री गांव का वही ना है, इस इलाके का मतलब इस ग्राम का नाला के हम बात कर रहे हैं, रोड का ना, पंचायत का मुखिया नाम का पूरा अधिकार होता है। तो वो भैया बोले वो आवाज उठाएंगे तो पीछे से हम लोग आवाज उठाएंगे कि भैया सही बात है, नाला आपको परेशानी होगा, आप कहिएगा कि मुखिया जी हम परेशान है, तब ना मुखिया जी सुनेंगे जी। ठीक है, हम कहेंगे अब मुखिया जी से, हम बोलते हैं मुखिया जी से, हम बोलते हैं भैया, सब लोग बोलता है, पब्लिक को दुख होता है तो बोलता है, मगर मुखिया जी भी क्या करें, वो भी अपने काम में व्यस्त है। अच्छा, पब्लिक को चलिए, कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है और नाराजगी इस कदर है कि लोग मुखिया जी का मुर्दाबाद का नारा भी लगा रहे हैं, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और भ्रष्टाचार का भी नारा लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार दूर भगाओ। लेकिन यहाँ पर जो मुखिया जी से हमने बात किया तो उनका कहना है नाद का पानी काट कर यानी कहते नाला जाम कर दिया गया। वार्ड सदस्य पति है 3 नंबर का। यस। अच्छा ये बताइए, नाला बहुत लोग परेशान है, ग्रामीण लोग 3 नंबर वार्ड का, कि नाला पूरा जाम है, लेकिन आप जब से जीते हैं कोई काम नहीं करवाना, उसको साफ सफाई करवाए, काम ही नहीं आ रहा है तो हम कहाँ से करा दें? तो काहे ला खड़ा होगा जब काम नहीं आ रहा है? हमने देखिए तो कोई काम नहीं है, जाइए अनुमंडल में, जाइए अंचल में, जाइए जहाँ जाना हो जाइए, लेकिन काम लेके आइए। कई बार मुखिया जी से बोल चुके हैं हम। तो क्या मुखिया जी बोलते नहीं देंगे काम? अब वो बोल रहे हैं कि हम तो साफ करा देते हैं, लोग नाला नाद काट करके भर देते हैं। मैंने आपके कहने का मतलब, हम वोट ले लिए, सरकार देगा तो काम करेंगे, नहीं देगा तो हम अपने घर में बैठे रहेंगे। तो अब हम कहाँ से कीजिएगा, तब ना कार्यालय, जिला कार्यालय बहुत दौड़ धूप गए हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? हम तो पब्लिक को बोल रहे हैं कि जी अपने अपने सामने का नाला साफ कर दीजिए, हमसे मजदूरी ले लीजिए, और नहीं तो मजदूरे खोज करके लाइए, साफ कराइए, हम मजदूरी देंगे, वो भी नहीं होगा तो हम क्या करें? मुखिया जी, सरनाहा गाँव के वार्ड नंबर 3 में नाला से जो है वहाँ के ग्रामीण है परेशान है, सबका कहना है मुखिया जी कभी साफ नहीं करवाते, नाला पूरा जाम हो गया, भर चुका है मिट्टी से, क्या कहना चाहेंगे इस पे? वार्ड नंबर 3 में नाला के समस्या है कि हमने कई बार साफ करवाए और ग्रामीणों से, गांव के गणमान से भी कहवाए कि जो जो जिसका जिसका नाद है,
नाद नाले में काच रहा है, वो नाद नहीं काचे, लेकिन कहने के बाद में भी 8-9 आदमी का नाद इसमें कचता है, बाकी गांव का नाला जो है वार्ड नंबर 2 हो या 3 हो सब उधर पश्चिम भाग में एकदम ठीक है। यहाँ पूर्व भाग में जो नहर में आके गिरती है वहाँ 7-8 आदमी जो है कहने के बाद में अपने दबंगता का रूप में दबंगता दिखाता है और कहता है कि नहर में नाला में हम सरकार का नाला है हम साफ कर रहे हैं, साफ करने के लिए कह रहे हैं कि सरकार का नाला है साफ कीजिए आप और नाद काचिए, बगल में काच कर बिगिए, लेकिन मानता नहीं नाद लोग काचता है, तो इसमें हम क्या करें बोलिए, केस मुकदमा भी लोग सब लड़े। लेकिन लोग कहते हैं हम कुछ नाला वाला तो हम लोग कुछ नहीं काचते हैं उसमें नाला में, हम लोग इस झूठ बात है, बोलो जांच करवा लीजिए पूरा, बोलो नाला भरा हुआ है, हम मुखिया जी कब ध्यान नहीं देते हैं, ना वार्ड सदस्य ध्यान देते हैं, ना विधायक ध्यान देते हैं, सांसद लोग बातें छोड़िए। आपके पास वीडियोग्राफी है जी, आप नाला का वीडियोग्राफी कीजिए, देखिए तो कहाँ कहाँ नाद है और कच्चा हुआ है कि नहीं, वो तो स्पष्ट सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कहने से थोड़ा हो जाएगा किसी को, 5 को विरोधी पार्टी लोग के जो विरोधी पार्टी है वो तो बोलबे करेगा। लेकिन नाला नहीं काचेगा लोग तो कब तक उम्मीद करते हैं कि मान लीजिए कि उस सरकार हो जाएगा, उम्मीद की नाला यदि नहीं काच रहा है तो सरकारी आवंटन आ रहा है, सरकारी आवंटन नहीं आ रहा है, सरकारी जब आवंटन आएगा उसके लिए हम परमिशन लेकर करवा देंगे, प्रखंड विकास पदाधिकारी से परमिशन लेंगे, यदि हमारे योजना में होगा तो उसको करवा देंगे साफ हम।